बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज HTML के लेक्चर नंबर 5 में आज जो है HTML का, उसमें हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट सीखेंगे। तो ये ऑर्डर लिस्ट क्या होती है और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। ये एक HTML के अंदर टैग होता है OL। अब OL का जो मुकम्मल नाम है ये है हमारी एक ऑर्डर लिस्ट, और उसके बाद दूसरा होता है UL, तो ये हमारी होती है अनऑर्डर लिस्ट। अब देखना ये कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है और ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। सबसे पहले ये थोड़ा सा बोर्ड पे देखें, ये देखें मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, स्टूडेंट की लिस्ट है। अब ये स्टूडेंट की लिस्ट में जो है एक बुलेट के साथ मैंने नेम लिखा नीचे, इस तरह की अगर लिस्ट बनानी है जहां पे बुलेट आपने देने हैं तो ये लिस्ट हमारी कहलाएगी अनऑर्डर लिस्ट। और अगर लिस्ट इस तरह की बनानी है जहां पे आपने नेम नंबर देने हैं, अहमद और तीसरा योगा, तो ये लिस्ट हमारी कहलाएगी ऑर्डर लिस्ट। तो इस तरह का डेटा हम लिखेंगे इस तरह के डॉक्यूमेंट्स में, तो इनको हम HTML में कहते हैं ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट है। तो HTML के अंदर इसको अब लिखेंगे। सबसे पहले HTML, ये हमारा रूट टैग है, और उसके बाद हेड, और उसके बाद हेड के बाद टाइटल, लिस्ट आइटम्स। अब इसको मैंने टाइटल को नोट कर दिया, और उसके बाद आते हैं बॉडी पे, और बॉडी के अंदर एक एट्रीब्यूट लिखता हूं मैं बीजी कलर का, बीजी कलर बराबर येलो कर देते हैं। ये हमारा एक एट्रीब्यूट जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो दे दिया। उसके बाद आते हैं एक ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, और ऑर्डर लिस्ट में आता है LI, लिस्ट आइटम। ये लिस्ट आइटम है, और उसमें हम लिखेंगे अहमद, क्लोज किया लिस्ट आइटम को, और उसके बाद दूसरा लिस्ट आइटम सईद, और उसके बाद इसको भी क्लोज कर दिया, तीसरा लिस्ट आइटम LI, इसको भी यहाँ पे एंड कर दिया। अब OL को भी एंड कर दिया, बॉडी को भी खत्म किया, और उसके बाद तो ये हमारी एक ऑर्डर लिस्ट की जो है वो फाइल बन गई है। इसको हम जैसे ही सेव करेंगे, वो सेव करने का तरीका जैसे हम सेव करते हैं, तो फाइल का नेम और नेम के बाद डॉट डॉट के बाद HTML। तो ये फाइल ओपन कहाँ करते हैं हम, ब्राउज़र के अंदर, ब्राउज़र विंडो के अंदर इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारी एक फाइल जो है ऑर्डर लिस्ट की बन गई। अब ऑर्डर लिस्ट में हमने कुछ एट्रीब्यूट सीख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी टाइप बन गई 1, 2 और 3, तो अहमद
सही, आप इसी तरह की एक फाइल और बना लेना और उसमें आपने जो है वो ये नंबर जो है यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करें। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ टाइप, ये एक एट्रीब्यूट है इसका, टाइप है, अगर आई दे देता हूँ आई बड़ा, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ये रोमन न्यूमरिक में आ जाएगा। ये अगर मैं टाइप में आई को छोटा लिखूंगा तो यहाँ पे ये रोमन लेकिन डेसिमल लेटर्स में, और इस तरह। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं देता हूँ ए, ये हमारा डेसिमल लेटर में ए दिया है, तो ये लिस्ट जो है हमारी ए बी और सी में शो होगी। अगर यहाँ पे मैंने बड़ा ए दिया है तो ये हमारी लिस्ट इस तरह शो। तो तकरीबन हमने इसके आर्डर लिस्ट के अंदर जितनी टाइप्स हैं इसकी आर्डर लिस्ट की वो हमने सीखी हैं। इसमें आप टाइप में जो है आर्डर लिस्ट के हमने थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिव्यू कर देता हूँ। टाइप इसकी एक होता है वन, ये बाय डिफ़ॉल्ट भी होती है, अगर टाइप नहीं देंगे तब भी वन टू थ्री करता है। और उसके अलावा यहाँ पे आप टाइप इसकी दे सकते हैं अल्फाबेट लेटर में लिस्ट बनाने के लिए, और रोमन के लिए आप आई, और इसमें आप जो है स्मॉल और बिग लेटर्स दोनों का इस्तेमाल करेंगे। स्मॉल बिग करेंगे तो वो बिग में आ जाएंगे, अगर स्मॉल करेंगे तो ये टाइप हमारी स्मॉल में आ जाएगी। तो ये जो है हमारी सारी इसकी एट्रीब्यूट टाइप्स हैं ऑर्डर लिस्ट की। अब आते हैं अनऑर्डर लिस्ट पे। तो अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाएंगे, ये फाइल आप लिख लें और उसके बाद मैं इधर से थोड़ी चेंजिंग करता हूँ, थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा तो ये लिस्ट जो है वो एबीसी की बजाय बुलेटेड लिस्ट जो है वो बन जाएगी। तो ये बुलेटेड लिस्ट कैसे बनेगी, यहाँ पे हम आर्डर की बजाय यूएल लिख देंगे अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे यूएल को क्लोज कर देंगे तो ये हमारी बुलेट लिस्ट इस तरह की बन जाएगी। कुछ अहमद और सईद, तीसरा जो है हमारा क्या नाम है बकार। तो लिस्ट कुछ इस तरह आपकी ब्राउजर में नजर आएगी। तो आज का ये लेक्चर था हमारा आर्डर और अनऑर्डर लिस्ट। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नेस्टेड लिस्ट के बारे में सीखेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।